टिकटॉक और हाल ही में बैन हुआ BGMI लौट सकते हैं भारत में। टिकटॉक बैन हुआ था 2020 में और BGMI बैन हुआ है हाल ही में। BGMI विच इज अ मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम जस्ट अपीयर्ड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर वेरी रिसेंटली। यूजर्स गॉट वेरी फिनिकी अबाउट इट। लेकिन अगर शिवा नंदी की माने हु इज द CEO ऑफ स्काई ईस्पोर्ट्स विच इज अ बॉम्बे बेस्ड फर्म, उन्होंने ऐसा बोला है कि BGMI जल्द से जल्द रिटर्न कर सकता है भारत में, कैन मेक इट्स कम बैक एक्चुअली। ऐसा उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, बट ही सेड इट इन अ वेरी सटल स्टेटमेंट। ही पोस्टेड एन इंस्टाग्राम स्टोरी स्टेटिंग दैट इंडिपेंडेंस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड ही डिड दैट राइट आफ्टर BGMI वाज बैन्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट BGMI। वी माइट गेट टू सी इट वेरी सून इन इंडिया। स्पीकिंग फॉर टिकटॉक, ऐसा कह रहे हैं दैट टिकटॉक इज गेयरिंग अप टू मेक इट्स कम बैक एज वेल। जून में हो सकता था कि टिकटॉक की वापसी हो जाती, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। टिकटॉक ने हाल ही में एक अपना म्यूजिक ट्रेडमार्क भी रजिस्टर किया है। बाई डांस विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ टिकटॉक इज स्ट्रगलिंग रियली हार्ड टू मेक इट्स कम बैक, ताकि बाई डांस का जो टिकटॉक नामक बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट वीडियो क्लिप प्लेटफॉर्म था वो इंडिया में जल्द से जल्द वापस आ जाए, जहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेशनल एक्टर्स शॉर्ट वीडियो क्लिप्स को पोस्ट करते थे। तो हो सकता है टिकटॉक और साथ ही BGMI आपको जल्द से जल्द भारत में देखने को मिले। तो ये था एक लेटेस्ट अपडेट ऑन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स टिकटॉक टू मेक इट्स कमबैक इन इंडिया एज वेल एज अ मल्टी प्लेयर रॉयल बैटल गेम विच वॉज लव्ड बाय अ लॉट ऑफ ई गेमर्स BGMI। हो सकता है ये भी भारत में आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए गैजेट टाइम्स। दिस इज मी पप्पू जैन।